आज के शुरू में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया है चार व्लॉग्स में। तो आज हम सीधा बात करते हैं अपनी ड्राइंग की, एंड ड्राइंग हम बनाएंगे आज की शुरू में एक्रेलिक से, जो कि मैं लेके आया था ये, एंड मैंने इससे एक ड्राइंग बनाई थी एंड दूसरी ड्राइंग मैंने स्टार्ट करी थी पर मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा क्योंकि मतलब क्यों ना इसको घर आके कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने ब्रश ढूंढे क्योंकि मेरे पास है वाटर कलर ब्रशेज, क्योंकि मुझे वाटर कलर अच्छी लगती थी, तो मैंने उसके लिए 400 रुपये के ब्रशेज ऑर्डर करके रखे हुए थे। पर ये अब एक्रेलिक में नहीं काम आएंगे, एक्रेलिक में आपको सिंथेटिक ब्रशेज ही होते हैं वो भी फ्लैट। तो मैंने ढूंढे तो मुझे पूरे घर में से इतने सारे सिंथेटिक ब्रशेज मिल गए, क्योंकि हमने जैसे दिवाली पे पेंट करते हैं ना, दिवाली पे मम्मी मतलब अपने हाथों से रंगोली बनाती है, तो वहाँ से मुझे मिले। एंड कुछ ब्रशेज जो अच्छे अच्छे हैं मेरे पास भी पड़े थे थोड़े बहुत, एंड एक मेकअप वाले में से मिल गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को। एंड पैलेट जो है ऐसी हो जाती है कुछ, एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको उखाड़ूँगा कैसे, वैसे आसानी से उखड़ जा रहे हैं ऐसे देखिए आप, ये दोबारा यूज़ नहीं हो पाते, सिर्फ एक बार यूज़ हो पाते हैं। एंड जो मैं मतलब एक्रेलिक कलर शूट करने वाला हूँ वो फैब्रिका के हैं, कैमलिन के फैब्रिक का, एंड 20 ml की बॉटल है, शायद 15 ml की बॉटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। थोड़ी सी वीडियो फास्ट हो गई तो देख सकते हैं, हम घर का रेनोवेशन कर रहे थे तो उनके मतलब वहाँ पे ऊपर छत से निकले हैं ये इतने बड़े बड़े छत्ते, एंड एक्चुअली शहद निकल रहा है इनमें से। अभी मैंने ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर ली है, एंड पहले मैं पता है क्या कर रहा था, इसमें वाटर कलर की तरह यूज़ कर रहा था जैसे ब्रशेस को, पहले मैं लाइट टोन को अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद हल्का सा वाटर यूज़ करके मतलब डार्क टोन को अप्लाई करके लाइट टोन को अप्लाई कर रहा हूँ, फिर उनको ब्लेंड कर रहा हूँ, पर इसमें ऐसा नहीं होता है कभी भी। मैंने अभी ड्रॉइंग विशाल की सर की वीडियो देख के पता लगाया कि इसमें आपको स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं,
जैसे रफ स्ट्रोक्स वो लगाते हैं ना हमेशा, तो वैसे रफ स्ट्रोक्स लगा लगा के आपको बनानी पड़ती है। उसके बाद लास्ट में जो लुक आता है वो मेरे को पोस्टर की तरह होता है, जैसे पोस्टर्स होते हैं ना फिल्म के, वैसे पोस्टर की तरह लुक आता है बिल्कुल। तो मैंने भी कुछ वैसा ही लुक ट्राई किया है, तो अब देखते हैं, थोड़ी बहुत मेरे से वैसी आ रही है चीज़ें, तो मैं अभी देखता हूँ कैसी मैं बना पाऊँगा लास्ट तक। सर में फोटो दिख रही होगी कि ऐसे देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है, ऐसा लग रहा है ये कोई पन्नी है, प्रिंट पेपर है, पर ये नेचुरल शाइन है इसकी। अगर आप ध्यान से देखें इसके ऊपर तो आपको स्ट्रोक्स पे शाइन दिख रही होगी, ऐसे ब्रश के ना स्ट्रोक्स दिखते हैं इस पर, ऐसी ड्राइंग होती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड एक्चुअली ना मेरे से यहाँ पे एक स्ट्रोक गलत लग गया था, मैं ऐसे देख रहा था साइड को तो एकदम से मेरा हाथ हिल गया, तो थोड़ा सा गलत लग गया था, पर उसको मैंने सही कर दिया। एंड हेडफोन्स देखिए कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं ना। एंड आप बताइए ना कि आपको कौन सी अच्छी लगी, ये ड्रॉविंग स्टाइल की सर की है, वैसे तो वही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। एंड मैंने भी कुछ ट्राई किया कि मैं भी कुछ उनकी तरह बना पाऊँ, तो ऐसा कुछ हमारा रिजल्ट निकला। तो कैसी लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या लगी मुझे इसमें, जब मैं पैलेट लेता हूँ ना और जब कलर उतारना पड़ता है ना, तो इससे ऐसे ऐसे घिस घिस के कलर निकालो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।